दाभी आईपीटीवी, सच आपके सामने। दोस्तों, दूसरे मैच में टीम इंडिया ने खराब प्रदर्शन किया और वेस्ट इंडीज के हाथों शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, आपको बता दें, ये मैच टीम इंडिया आसानी से जीत सकती थी, लेकिन एक गलती के कारण टीम को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस खिलाड़ी ने ये बड़ी गलती कर दी जिसके कारण टीम हारी। दोस्तों, जैसा कि इस मैच में वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता और टीम इंडिया को पहले बैटिंग करने के लिए कहा। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने आई टीम इंडिया की शुरुआत बेहद ही खराब रही। पिछले मैच के हीरो केएल राहुल इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए और चौथी ओवर के पहले गेंद में कैच दे बैठे और 11 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद तो विराट कोहली ने सबको चौंका दिया जब रन मशीन ने अपनी जगह युवा बल्लेबाज शिवम दुबे को खुली लाइसेंस देकर बैटिंग करने को भेज दिया। लेकिन दूसरी तरफ आज हिटमैन रोहित शर्मा उस लय में नजर नहीं आए जिसके लिए वे जाने जाते हैं और वे भी 18 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए तो टीम संकट में आ गई। लेकिन प्रमोशन लेकर 3 नंबर पर रन मशीन की जगह बैटिंग करने आए शिवम दुबे ने वेस्ट इंडीज को ले डूबे और हिटमैन रोहित शर्मा के जाने के बाद शिवम ने मोर्चा खुद संभाल लिया और 9वें ओवर में बॉलिंग करने आए कप्तान पोलार्ड को 3 छक्के लगाकर उनकी लाइन्थ लेंथ ही बिगाड़ दी और अगले ओवर में किरण पोलार्ड बॉलिंग करने ही नहीं आए। शिवम ने मौके का फायदा उठाते हुए मात्र 27 गेंदों में 50 रन बनाकर तहलका ही मचा दिया और दबाव में चल रही टीम इंडिया के रन गति को पटरी में ला दिया, लेकिन अपनी पारी को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सके और 50 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन वे अपना काम कर गए थे। शिवम दुबे के आउट होते ही टीम फिर दबाव में आ गई क्योंकि टीम ने विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के विकेट जल्दी खो दिए। जहां रन मशीन ने 17 गेंदों में 19 रन बनाए तो श्रेयस अय्यर ने 11 गेंद में 10 रन बना पाए। लेकिन एक्स फैक्टर कहे जाने वाले ऋषभ पंत ने मोर्चा संभाल लिया और खराब पिच पर भी बीच बीच में चौका मारते हुए कैरिबियाई गेंदबाजों को दबाव में डाले रखा और लाख कोशिशों के बावजूद कैरिबियाई गेंदबाज ऋषभ पंत को आउट नहीं कर सके। ऋषभ पंत ने समझदारी भरी बैटिंग करते हुए अंत तक अपना बल्ला गाड़ दिया और 22 गेंद में 33 रन बनाकर टीम के स्कोर को 20 ओवर में 170 रन पहुंचा दिया। दोस्तों, आपको बता दें, 170 रन इस पिच पर काफी थे और इस मैच को टीम इंडिया आसानी से जीत सकती थी। इस खराब पिच पर 170 रन का पीछा करने उतरी वेस्ट इंडीज ने शुरुआत में भारतीय गेंदबाजों को सम्मान देते हुए संभाल कर खेली, लेकिन भारतीय गेंदबाज विकेट लेने की भरपूर कोशिश करते रहे। अच्छी ओवर में वो मौका भुवनेश्वर कुमार ने दिया जब उनकी गेंद पर लैंडर सिमंस ने छक्का मारने गए, लेकिन उनकी बल्ले की ऊपरी हिस्से से लगती हुई ऊपर चली गई। तब लगा टीम को पहला विकेट मिल गया, लेकिन पिछले मैच में 2 कैच छोड़ने वाले वाशिंगटन सुंदर ने जीवन दान दे दिया। लैंडर सिमंस का कैच फिर टपका दिया और यहीं से टीम इंडिया इस मैच में पिछड़ते चली गई क्योंकि संभल कर खेल रही वेस्ट इंडीज ने जीवन दान के बाद गियर ही बदल दिया और देखते ही देखते 36 गेंद में ही 50 रन पूरा कर लिया। एविन लुइस ने पिछले मैच की तरह इस मैच में भी लय में नजर आए और विस्फोटक बैटिंग करते हुए 35 गेंदों में 40 रन बना दिए तो वही मिले जीवन दान का लैंडर सिमंस ने खूब फायदा उठाया और भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते रहे और वाशिंगटन सुंदर को चोट पहुंचाते रहे। आपको बता दें, इस मैच में लैंडर सिमंस ने 35 गेंदों में नाबाद 67 रन बनाए और टीम को जिताकर ही लौटे। दोस्तों, वाशिंगटन सुंदर का लैंडर सिमंस को जीवन दान देना टीम इंडिया को भारी पड़ गया क्योंकि शुरुआत में ही अगर वह कैच पकड़ लेते तो कैरिबियाई टीम उस समय दबाव में आ जाती और इस तरह बेखौफ खुलकर नहीं खेलती। दोस्तों, आपको बता दें, टीम इंडिया पहले बैटिंग करते हुए 57% मैच हार जाती है जबकि रनों का चेस करते हुए 88% मैच जीतती है। दोस्तों, अब 11 तारीख को मुंबई का मैच बेहद ही अहम हो गया है। वहां जो भी टीम मैच जीतेगी वही सीरीज जीतेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है टीम इंडिया का हार का सबसे बड़ा कारण क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।